एक पंडित जी थे। पंडित जी का एक बेटा था, वो रोज स्कूल जाता था। स्कूल जाता तो सर्दियों का समय था, दरबार राजा का दरबार बाहर लगता था, सर्दियों में धूप में बड़ी चेयर पड़ी है, राजा साहब बैठे हैं, मंत्री संतरी बैठे हैं। पंडित जी का बेटा वहीं से निकलता, रास्ता वही था, तो राजा रोज बुलाते, बेटा यहाँ आओ। और राजा उस बच्चे के सामने दो सिक्के रखते, एक सोने का एक चांदी का, और राजा रोज बच्चे से पूछते, बेटा बताओ इनमें दोनों में से कीमती कौन है, कौन ज्यादा कीमती है। तो ब्राह्मण बालक बोला, राजा साहब चांदी ज्यादा कीमती है। राजा बड़े हंसे, वहां जितने बैठे सब, वाह कितना मूर्ख है ये, बता चांदी को महंगा कह रहा। तो राजा ने उसे चांदी पकड़ा दी, ले चांदी का सिक्का, तू सस्ता कह रहा ले जा। वो बालक रोज जाता और रोज उसे एक सिक्का मिलने लगा। किस बात पर मिलता? क्योंकि राजा को हंसी आती, राजा और वहां मंत्री संतरी थे सब हंसते, कितना मूर्ख है पंडित जी का बेटा, कितना मूर्ख है, मूर्ख है। लोग बड़ा हंसते, अच्छा लोगों को बड़ा मजा आता है यदि आपको मूर्ख बना के वो हंसे, बड़ा मजा, हाँ हाँ बड़ा हमने मूर्ख बना दिया। मूर्ख पंडित जी का बेटा रोज जाता और उसे रोज एक चांदी का सिक्का मिलता। देखते देखते उस बच्चे के पास 25-30 किलो चांदी हो गई। किस बात पर? मूर्खता भर। चलो आगे चलते हैं। एक दिन उसके पिताजी को राजा ने बुलाया और राजा ने कहा, पंडित जी तुम्हारा बेटा बड़ा मूर्ख है। पंडित जी को बड़ा बुरा लगा, राम 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 राम, मेरा बेटा मूर्ख है, नाम खराब कर दिया मेरा। पिताजी गुस्से में गए, क्यों रे तू मूर्ख क्यों है? बेटे ने कहा, पिताजी मैं कैसे मूर्ख हूं? अरे बोले, राजा तुझे रोज पूछते हैं कि सोना कीमती है कि चांदी, तो तुझे पता नहीं है कि सोना कीमती है? बच्चे ने कहा, पिताजी मुझे खूब पता है कि सोना कीमती है, तू चांदी क्यों कहता है? बेटे ने कहा, पिताजी चलो अपने कमरे में ले गया तो 20-25 किलो चांदी दिखाई। बोले, पिताजी यदि मैं राजा को कह दूंगा कि सोना कीमती है तो ना सोना ही मिलेगा चांदी ही मिलेगी, इसलिए मैं मूर्ख बना हूं। तो कम से कम वो हंसते हैं और मुझे चांदी मिल जाती है, तो अब बताओ मैं मूर्ख हूं कि वो मूर्ख है? कौन मूर्ख है? इसलिए मूर्ख बनने के भी बड़े फायदे हैं, ज्यादा होशियार नहीं बना करो, हर जगह होशियारी नहीं चलती। भगवान भी अर्जुन को पकड़ते हैं, मैदान छोड़ के मत जा, चल युद्ध कर, और खुद का नंबर आया जरासंध से लड़ने का तो भाग गए। हाँ भगवान को पता है मूर्ख बनने के भी फायदे हैं, भाग जा राम जी, भाग जाओ, भाग जाने में भी फायदे हैं, यही समझदारी है। हर जगह थोड़ी जीता जाता है, हर जगह थोड़ी विद्वत्ता काम आती है, कई बार तो अपने राम को मूर्ख बनना पड़ता है। मूर्ख बनोगे तो सीखोगे। चलो मूर्खता के कुछ और उदाहरण देता हूं। बिहारी जी को प्रकट किया किन्होंने? श्री हरिदास जी महाराज ने। किन्होंने प्रकट किया? श्री हरिदास जी महाराज के शिष्य का नाम था तानसेन। क्या नाम था? तानसेन। एक बार तानसेन को एक राग गुरु जी से सुननी थी, उनको एक राग दीप राग, जिस राग को गाने से दिया जल जाते, दीपक, वो दीप राग आज अपने गुरु जी से तानसेन सुनना चाहते थे, पर तानसेन ये थोड़ी कह सकते हैं गुरु जी दीप राग सुनाओ, अब कहेंगे तो गुरु को आज्ञा तो दी नहीं जाती, गुरु जी से तो निवेदन किया जा सकता है। तो तानसेन ने आज मूर्खता का परिचय दिया। क्या परिचय दिया? राग गाने लगे गुरुजी के सामने, गुरुजी हम आज गा रहे हैं सुनो, तो गुरुजी के सामने गाने जान करके उल्टा गाए,
गलत सुर लगाए, गलत गाया, जान करके तानसेन गलत गाए, जब उन्होंने अपने आप को मूर्ख बनाया, गुरुजी मुझे आता नहीं है, देखो मुझसे गलती हो रही है, जब अपने आप को मूर्ख प्रेजेंट किया उन्होंने, तब गुरुदेव बोले बेटा ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, मैं सुनाता हूँ। अब लोग गुरुजी सुनाने लग गए, तानसेन की इच्छा पूरी हो गई। मूर्ख बनने से ये फायदे हैं कि आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और ऑलरेडी आप ज्ञानी हो तो आपको ज्ञान देगा कौन? मूर्ख रहेंगे तब तो लोग ज्ञान देंगे आपको, खाली बाल्टी रहेगी तब तो कुआ उसे भरेगा, ऑलरेडी भरी हुई बाल्टी कुआ में उतरे तो कुआ कहेगा चल जब भरी ही थी तो आई क्यों यहां, यहां तो हम उन्हीं को जल देते हैं जो खाली आती है। कुआ ने कहा जा हम तुझे पानी नहीं देंगे क्योंकि तू ऑलरेडी भरी है, जा पहले खाली होकर आ, जब खाली होकर आएगी तो मैं अपने शीतल जल से तुझे भर दूंगा। बस जब आप खाली हो जाते हैं तब ज्ञान से भर जाते हैं, भक्ति से भर जाते हैं, प्रेम से भर जाते हैं, पर आप खाली हों तब तो भरें, खाली कहाँ हैं आप? तो आज से आपको क्या होना है? खाली। और खाली के लिए क्या बनना पड़ेगा? अंदर से तो ज्ञानी रहो, अंदर तो विवेक से काम लो, पर समाज के लिए जरा मूर्ख ही बने रहो, ठीक है?